छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में सोमवार को भड़की सतनामी समुदाय के प्रदर्शन और हिंसा को लेकर के प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। हालांकि प्रदर्शनकारी अब हट गए हैं, लेकिन उनका विरोध और इलाके में तनाव अभी भी जारी है। आपको बता दें, कथित तौर पर सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ को लेकर विरोध और प्रदर्शन हुआ था, जो बाद में हिंसा के रूप में भड़क उठा। पुलिस और समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और जमकर झड़प हुई। अब उपद्रव करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे बड़े नेताओं की इस पूरी हिंसा को लेकर के प्रशासन ने पहचान और तस्दीक भी कर ली है। अब प्रशासन की तरफ से उपद्रव करने वालों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ जिम्मेदार संगठनों के पदाधिकारियों के नाम की सूची भी तैयार कर ली गई है और जारी कर दी गई है। आपको बता दें, हिंसा के दौरान पथराव और आगजनी की खूब खबरें आईं और जिला कलेक्टर के साथ साथ एसपी के दफ्तर को भी फूंक दिया गया। आरोप सतनामी समुदाय के लोगों के ऊपर है, जिन्होंने सरकारी कार्यालयों और तमाम गाड़ियों को फूंक दिया। हालांकि अब सतनामी संप्रदाय और इस समुदाय के गुरु का कहना है कि समुदाय के लोग तोड़फोड़ और आगजनी नहीं कर सकते। आपको याद दिला दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात को कुछ लोगों ने बालौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में पवित्र अमर गुफा में स्थित सतनामी समाज द्वारा पूजे जाने वाले जैत खम्भ में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद ये समुदाय भड़का हुआ था और सड़कों पर था। लगातार प्रदर्शन जारी थे। अब इस पूरी घटना को लेकर के जाँच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, इस प्रदर्शन को लेकर के करीब सोमवार को 7 से 8 हज़ार लोग सतनामी समुदाय के इकट्ठा हुए थे। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल होकर प्रमुख व्यक्तियों ने चौक गार्डन में ज्ञापन देने के लिए कहा गया था। हालांकि प्रदर्शनकारी नहीं माने और ये रैली भीड़ के रूप में 3 बजे उठी और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पहला बैरिकेड गार्डन चौक के पास लगाया था, लेकिन भीड़ ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया और आगे निकल गई। इसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। चक्रपाणी स्कूल के पास, जहां पर बड़ी बैरिकेटिंग लगाई गई थी, वहां पहुंचकर ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इनकी झड़प हुई। धक्का मुक्की, लाठी डंडे चले और पथराव के बाद कई लोगों को चोटें आईं। हालांकि बैरिकेड को तोड़ करके ये लोग आगे बढ़े और आगजनी शुरू कर दी। इसी बीच में सिटी सर्विलांस में लगे हुए शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरों को देखा गया, जिससे पता चलता है कि पहले इस भीड़ ने इन कैमरों को भी तोड़ा। तोड़फोड़ करने वालों में भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम कांतिवीर सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के नाम सामने आए। इन लोगों के उत्पात को लेकर के लगातार अब प्रशासन आगे आया है। बालौदा बाजार, भाटापारा और अन्य जिलों से आए हुए 25 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के घायल होने की सूचना सामने आई है। इसके अलावा उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि भीड़ के उग्र प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया था और इसी का फायदा उठाते हुए उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए दमकल विभाग की गाड़ियों तक में हमला बोल दिया। हालांकि अब इस पूरी घटना को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने बाकायदा डीजीपी से जानकारी मांगी है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।